बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स। आज आप लोगों के साथ मैं निसान डेज पे बात करूंगा, इसकी फीचर्स के बारे में, इसकी फ्यूल कंजम्पशन के बारे में, प्राइस के बारे में, और इसको मैं हल्का पुल्का जो है अल्टो के साथ कंपेयर भी करूंगा कि इन दोनों में कौन सी बेहतर है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्लू कलर में ये गाड़ी है और ये जो अनलोडेड वेरियंट है उसका मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट में यहाँ पे बम्पर में सेंसर्स भी दिए गए हैं, हेडलाइट्स भी खूबसूरत हैं, कोई मसला नहीं है। अगर इसको मैं अल्टो के साथ कंपेयर करूँ तो इस कंपेयर टू अल्टो इसके लिए हेडलाइट्स प्यारी हैं। अच्छा जी, अगर साइड से मैं दिखाता हूँ तो अगर यहाँ पे आप इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखें तो अल्टो की निस्बत इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मुझे अच्छी लगती है, और ये अच्छी खासियत की बात है इसमें। अगर आप बंदे भी ज़्यादा बैठ जाएँ तो गाड़ी नीचे से नहीं लगती। आइए मैं आपको साइड से दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है बटन मिलता है आपको लोडेड वेरिएंट में, असल में ये अनलोडेड है, इस वजह से इसमें जो है लॉक अनलॉक का बटन नहीं दिया गया। पीछे से अगर आप देखते हैं तो इसमें कुछ ख़ास चेंजेस नहीं किए गए पुराने शेप की निस्बत। ट्रंक स्पेस भी आपको दिखाता चलूँ तो ट्रंक स्पेस में अगर आप देखते हैं तो अल्टो के साथ अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो एक ही जितना स्पेस है, और लेकिन यहाँ पे मैं अगर देखता हूँ तो थोड़ा सा फ्लैट है, मतलब वो टायर की जगह जो है वहाँ पे स्पेस ज़्यादा नहीं गिरी हुई, तो ये एक प्लस पॉइंट है इसमें। पीछे से अगर आप देखते हैं तो एक खूबसूरत गाड़ी लगती है। दो हेडरेस्ट है, मींस कि आप दो बंदे इजीली पीछे बैठ सकते हैं। अच्छा जी, लोडेड गाड़ी में जो है यहाँ पर इसमें बैक कैमरा भी आता है। आइए पीछे जो है लेग स्पेस देखते हैं कि लेग स्पेस कितना है। लेग स्पेस अगर आप देखते हैं तो जिस तरह अल्टो में काफ़ी कुशादा जगह है, इसमें भी आप जो है इजीली बैठ सकते हो, मतलब लंबे हाइट वाला बंदा इजीली बैठ सकता है। अच्छा जी, बीच इंटीरियर में इसका इंटीरियर जो है अगर आप देखते हैं तो बीच में आपको मिलेगा बादामी कलर का, और टू टोन सीट्स आपको मिलती हैं। अगर आप साइड्स पे देखते हैं, यहाँ पे मेरून कलर का आपको मिलेगा या ब्राउन कलर आप कह लें, और ये टू टोन कंट्रास्ट में आती है, इस वजह से काफ़ी खूबसूरत लगती है। अगर अल्टो के साथ कंपेयर करता हूँ तो अल्टो में सच कोई नहीं होता, सिंपल कपड़ा होता है, उतनी खास लुक नहीं देता, लेकिन ये गाड़ी उसकी निस्बत काफ़ी खूबसूरत लगती है। अगर आप यहाँ पे भी देखते हैं तो यहाँ पे ब्लैक में कंट्रास्ट दिया गया है, यहाँ पे जो बटन के लिए जगह जो होती है मिरर के लिए, तो ये एक प्लस पॉइंट है इसमें। अच्छा जी, आगे की तरफ जाते हैं। अगर यहाँ पर मैं अंदर बैठता हूँ तो एक बड़ी गाड़ी की तरह मुझे फील हुआ जब मैं बैठा। अच्छा जी, यहाँ पे अगर मैं इसकी क्लाइमेट कंट्रोल की बात करूँ तो उसमें टच सिस्टम होता है, बिल्कुल जो जिस तरह बड़ी गाड़ी में टच सिस्टम होता है टच, तो वो इसमें नहीं है, ये सादी गाड़ी है। इसमें यहाँ पे आपको स्क्रीन भी मिलती है, और स्क्रीन के साथ जो है यहाँ पे 360 कैमरा भी मिलता है, मतलब यहाँ पे इन साइड मिरर्स में जो है आपको इसमें कैमरा होता है, ऊपर से भी कुछ सिस्टम है, तो फ्रंट पे भी आपको कैमरा होता है, बैक में भी, तो 360 भी आपको स्क्रीन में मिलती है, जो कि एक प्लस पॉइंट है, जो कि मुझे खूबसूरत लगती है इस गाड़ी में। अच्छा जी, यहाँ पर कॉलम गियर मिलते हैं आपको, और लोडेड गाड़ी में ये स्टार्ट में आती है, आपको यहाँ पर मल्टी मीडिया भी मिलता है, लेकिन इस वाली में आपको नहीं मिल सकता क्योंकि ये निसान डेज जे पैकेज है। अच्छा जी, मैं उस साइड पे जाने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से बटन्स आपको मिलेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिलेगा और एंटी कोलिजन ब्रेकिंग सिस्टम का बटन मिलेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आप मिरर ऑन ऑफ का, साइड मिरर जो है ऑन ऑफ, और एडजस्टमेंट के बटन भी यहाँ पर आपको मिलेंगे, और पावर विंडो में यह गाड़ी आती है। अच्छा जी, यहाँ पर अगर स्क्रीन की मैं बात करूँ तो स्क्रीन में आप देख सकते हैं यहाँ पे ईको का जो है लोगो, ईको लिखा हुआ है, और ईको, और यहाँ पे आपको ये ग्रीन लाइट्स में शो भी करता है, जब आप ज़्यादा प्रेस करते हो तो ईको से चला जाता है, अब आप जो है हल्का पावर रखते हो तो यहाँ पे आपको ईको भी साथ में शो हो रहा है, मतलब आप इकोनॉमी में जा रहे हो, अच्छी उसमें जा रहे हो, फ्यूल कंजम्पशन आपकी अच्छी होगी। अच्छा, फ्यूल कंजम्पशन के बारे में बताता चलूँ, ये गाड़ी मैंने खुद ही जो है एक साल पहले इम्पोर्ट की थी, और फ्यूल कंजम्पशन के हिसाब से अगर इसको अल्टो के साथ कंपेयर किया जाए, दोनों में जो है सेम इंजन लगा हुआ है, और ये आपको 17 विंटर सीज़न में आपको 18-19 तक आपको दे सकती है, जबकि समर सीज़न में गर्मी होती है, इसी भी स्टार्ट होता है, तो आपको ये तकरीबन ये 16 के करीब, 15-16 साढ़े 16 के करीब आपको ये माइलेज दे सकती है। और एसी के हवाले से मैं बात करूं तो अगर ये किसी को डाउट हो कि भाई ये 660 सीसी है, अंडर पावर इंजन है, इस पर एसी सही काम नहीं करता, तो बिल्कुल गलत बात है। मैंने तकरीबन 10 से 12 जो 660 सीसी गाड़ियां हैं, इंक्लूडिंग एवरी वैन,
इसके एसी में कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल चला सकते हो और बिल्कुल कूल हवा होती है, मतलब बिल्कुल जो बड़ी गाड़ी की तरह ब्लो होती है, कूलेंट उसका बिल्कुल ठीक होता है, बिल्कुल आप इसको ले सकते हो। पाकिस्तानी गाड़ियों की तरह नहीं होता कि भाई एसी आप अगर रुकते हो या मतलब ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो एसी काम नहीं करता, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आखिर में मैं इसकी कंपेरिजन एज अ होल बात करूँ तो अल्टो की नस्बत ये गाड़ी बेहतर है, लेकिन पार्ट्स के साथ कंपेयर करें, अगर मतलब पार्ट्स अवेलेबिलिटी के ज़मरे में देखा जाए तो अल्टो पर बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तानी शेप भी है, उसके पार्ट्स आप यूज़ कर सकते हो। इसके पार्ट्स आपको महंगे मिलेंगे और थोड़े से मुश्किल से मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू अल्टो। इसकी प्राइस यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कार जंक्शन रिंग रोड पिशावर में 19 लाख रुपए, 18 मॉडल है और 21 इम्पोर्ट है। अगर किसी ने लेनी हो तो बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। काइंडली हमारी वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि इस तरह की और आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।